बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज कुकिंग चैनल लखनऊ में मलाई बोटी बनेगी, जो कि चिकन मलाई बोटी है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। आप लोग इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको हर नई वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुँचेगा। तो व्यूवर्स, आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी मेरी रेसिपी आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से। तो चलिए मलाई बोटी चिकन बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमें ये इस तरह की बोनलेस बोटियाँ चाहिए, छोटी छोटी कर लेंगे इसको। और इसमें अब मिलाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच भर के, और ये ज़ीरा पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला और पपीते का पाउडर है हमारे पास 1 चम्मच, ये डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच भर के डाल दीजिए इसमें। और इसको सबको मिक्स कर देंगे, और साथ में हम ये डालेंगे दही 2 चम्मच डालेंगे, और ये सारी इस तरह से डाल देंगे, ज़रा सी बची हुई तो ये भी डाल देंगे इसी में और मिला देंगे। और साथ में डालेंगे हम इसमें मलाई, ये मिक्स करने के बाद, और 1 चम्मच सिरका डालेंगे, वाइट विनेगर जिसे बोलते हैं, ये डाल देंगे। और ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये मिला देंगे इसमें, और इसे मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप लोग एक कई घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए रखना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे और अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा, अच्छा तैयार होगा, ये टेस्टी होगा और अच्छी तरह से गल जाएगा। और इसमें हम प्याज हमने फ्राई करके शैलो फ्राई की थी, और बहुत हल्की लाइट कलर की, ट्रांसपेरेंट कलर की हुई, तो उसे हमने पेस्ट बना लिया उसका। और ये साथ में मलाई भी डाल दे रहे हैं, बताया था अभी हमने आपको डालना है, इसमें 2 चम्मच डालेंगे। और इस तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर ये हमने लिया है इसमें मखाने, 7-8 मखाने, उसे क्रश कर लिया है भून करके, और ये इसको फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, फुल फ्लेम पर कर दिया हमने इसे, और डालने के बाद सारी बोटियाँ फिर स्लो कर देंगे इसको इस तरह से, और फिर फुल फ्लेम पर हम इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे। इसको ढकना नहीं है और ना ही चलाना है पहले, और इस तरह से ये सब ग्रेवी इसकी हटा करके तभी डालनी है बोटियाँ इस तरह से। अब ये फुल फ्लेम पर हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि नीचे से थोड़ा स्लो कर देंगे और सब बोटियाँ पलट देंगे अच्छे से। और पलटने के बाद भी हम इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे और स्लो पे पकाएंगे इसको, ताकि जो है ये अच्छी तरह से गल जाए अंदर तक। वैसे तो पपीता लगाया हुआ हमने, अच्छी तरह से गल गई है ये, और अब ये हो गई दोनों तरफ से इस तरह से, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया ये। इसे निकाल लिया हमने अच्छी तरह सारी बोटियाँ इसमें से। अब उसी तेल में हमने ये सारी जो ग्रेवी बची हुई थी कि इसमें डाल करके भून लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे साथ में, ताकि मसाले गले नहीं, जले नहीं, और अच्छी तरह से भून जाए। और ये हमने क्रश किए हुए जो मखाने रखे थे, ये भी डाल दिए इसमें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, कि ज़रूर डालिएगा आप लोग। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, बिना उसके भी बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। और अब मसाला भुन गया है, अब इसमें ये बोटियाँ डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसको, मिक्स करके इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, और अब इसको देखते हैं कि क्या हाल है इसका। और अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर पकाएंगे इसे हम थोड़ी देर के लिए। ये देखिए इस तरह से मिला देंगे पानी को, और आप लोग मेरे स्टाइल में बनाकर ज़रूर देखिएगा इसे। और ये देखिए, अब हमने हरी मिर्च 2 हिस्सों में करके काटी हुई है वो डाल दिए, और क्रश करके कसूरी मेथी जो कि भुनी हुई है, हल्की सी सेक लिया है, ज़्यादा नहीं भुना है, सिर्फ सिकी हुई है, ताकि कुरकुरी हो जाए और इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है इस तरह से। और जो इसका भी बाद में डंठल वगैरह जो बचती है क्रश करने के बाद, वो निकाल दिया हमने, वो नहीं डालना है। और अब इसे 1-2 मिनट पकाएंगे और फिर डिश आउट करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि कैसे तैयार हुई है ये और कैसी लग रही है ये, और खाने में बहुत अच्छी है और बहुत टेस्टी होती है। और इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, बिल्कुल मेरे स्टाइल में ट्राई करिएगा, तभी आपको इसका पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसे तैयार हुई है।
और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपको और भी अच्छे से अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी। और बेल आइकन को बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा हर नई वीडियो का। आप लोग खुश रहें, खैरियत से रहें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।